दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से फोन पे किस प्रकार से चलाया जाता है, इसके क्या होता है कंप्लीट प्रोसेस, वो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ अपना एक अकाउंट ओपन करवाया है और जो भी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है उसके माध्यम से फोन पे एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं, फोन पे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपका मोबाइल फोन में जो फोन पे एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है, देन कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पर जाकर के फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, देन अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर वगैरह आप कर लेना है, ठीक है, उसके बाद कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करना है, उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए आपका फोटो लोगो नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक अकाउंट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लिंक करके रखा हूँ, ऐड करके रखा हूँ। अब यहाँ पे जो भी मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मेरा अकाउंट है उसे यहाँ पे ऐड करना है, उसके लिए नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए काफी सारा बैंक का नाम यहाँ पे नजर आता होगा। अब यहाँ पे आपका जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो नाम होता है ऊपर में यहाँ पे शो नहीं होता, आपको सर्च करना होगा, उसके लिए ऊपर में देखिए सर्च का आइकन नजर आता होगा, सर्च बाय बैंक नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इंडिया, जैसे यहाँ पे मैं इंडिया जैसे मैंने टाइप किया उसके नीचे ही यहाँ पर नजर आता होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या तो फिर आप डायरेक्टली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी यहाँ पे टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। चलिए यहीं पे आ चुका है, चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह होता है वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर था वो सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सेट यूपीआई पिन, अब यहाँ पे आपको यूपीआई पिन को आपको सेट करना होता है, इसी यूपीआई पिन के माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस वगैरह होता है वो चेकआउट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जब आपको यूपीआई पिन सेट होता है तो, ठीक है। अब सेट करना है उसके लिए नीचे ही आप नजर आ जाता है सेट यूपीआई पिन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं फोन पे में और यूपीआई पिन सेट करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपका बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है एटीएम कार्ड होता है उसका डिटेल यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है डेबिट कार्ड होता है वो बाय पोस्ट तो आपके घर के पते पर नहीं आता है, तो आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसे आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और आपको सर्च करना है IPPB मोबाइल बैंकिंग, सर्च कीजिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे अपना अकाउंट को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर सर करते समय आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, इतना कुछ फिलअप करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिएगा तो फाइनली इस एप्लीकेशन में आपका रजिस्टर हो जाएगा और आपको एक एमपिन भी आपको सेट करना होता है, ठीक है, इतना कर लीजिए। अब चलिए मेरा सब कुछ यहाँ पे क्रिएट है तो यहाँ पे मैं ओपन पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए एमपिन डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो जो भी मेरा एमपिन है वो यहाँ पे मैंने इंटर किया, देन सक्सेसफुली इस बैंकिंग जो एप्लीकेशन है इसमें मैंने लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे अकाउंट पर रजिस्टर कीजिए तभी जो भी आपका डेबिट कार्ड होता है रुपए कार्ड होता है उसका डिटेल आपको मिल पाएगा और वहां पे लिंक कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए नीचे आना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है रुपए का और नीचे जाता है डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते होंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन आता होगा, उस पर क्लिक करके और 60 रुपए लगभग आपको कटाना होगा चार्ज के तौर पे, उतना पैसा देकर के पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना होता है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट करके रखा हूँ, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए होंगे तो। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका एक्सपायरी डेट वगैरह है वो यहाँ पे फिलहाल नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जाता होगा व्यू कार्ड डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जो भी आपने एम पिन बना करके रखा होगा उस पिन को डालना है, देन आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए फाइनली जो आपका कार्ड का डिटेल होता है वो यहाँ पे देखिए खुलकर आ चुका है, ठीक है। अब वहां पे क्या था लास्ट का 6 डिजिट था, जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसका लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पर नजर आता होगा, इस नंबर को वहां पर आपको फिलअप करना है। देन जो भी आपका एक्सपायरी डेट है वो यहीं पे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा, मंथ और ईयर नजर आता होगा, ठीक है, तो सेम डेट को वहां पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे फोन पे यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, जो भी लास्ट का 6 डिजिट था यहाँ पे मैं एक बार फिंगर मिट लगा देता हूँ, जो भी आपका लास्ट का 6 डिजिट था वो पहला कॉलम आपको फिलअप करना है, देन जो भी आपका एक्सपायरी डेट था वो दूसरा कॉलम में यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, ठीक है। जो भी ओटीपी आता है देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लिया है, ठीक है, नहीं फेच करता मैनुअली फिलअप कीजिए। देन आपको सही के निशान पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपको सेट करना होगा, ठीक है। उसके लिए जो भी यहाँ पे पिन आप रखना चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट को फिलअप कीजिए, देन दोबारा से सेम जो भी आपने पिन फिलअप किया था सेम पिन को यहाँ पे फिलअप करना है, देन आपको सही के निशान पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका बैंक अकाउंट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे एड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, और जो भी आपका यूपीआई पिन वगैरह था वो सब कुछ यहाँ पे डल चुका है, ठीक है, एड हो चुका है, ऊपर SMS भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से बैक आइए, अब यहाँ पे देखिए दो बैंक आपके पास नजर आता होगा, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट था, अभी मैंने तुरंत का तुरंत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड किया तो यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ से आपको होम पेज पे आना है, अब यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस चेक आउट करना है, उसके लिए आपको चेक बैंक बैलेंस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सबसे ऊपर में बैंक का नाम नजर आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपने यूपीआई पिन बनाया था उस पिन को यहाँ पर डालना है, सही के निशान पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपका बैंक का बैलेंस होता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया कि इस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट होता है उसे फोन पे में किस प्रकार से लिंक किया जाता है, किस प्रकार से ऐड किया जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ही फोन पे किस प्रकार से चलाया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।